अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं हारिस राय यूट्यूब चैनल। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फेसबुक पर पेज बनाया जाता है, और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज की पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने पोस्ट की हुई है, इस पर लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट, कि इसको पोस्ट को बूस्ट करो, यानी आप इसको प्रमोट करो कि आपकी पोस्ट पूरी दुनिया में, या आप जहाँ जहाँ जिस कंट्रीज में आप दिखाना चाहते हैं वहाँ पर ये हम दिखा सकें, आप इसको बूस्ट करो। उसके लिए अगर मैं ओके करूँगा तो ये कहेंगे कि आप पैसे खर्च करो, कि पैसे खर्च कर कर ही ये बूस्ट होगी, ऐसे ही तो एडवर्टाइज नहीं चलती। और यहाँ पर ये सारा पेमेंट का और सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये ओके करके मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आपको मतलब इनका वो सेलेक्ट करना है पैकेज, आप वो सेलेक्ट कर लें कि ये जितना भी यहाँ पर ये लगा हुआ है, मैं आपको एक दफ़ा करेंसी चेंज करके दिखा दूँ, पाकिस्तानी रुपी। कि 6 रुपये अगर आप इस पे खर्च करेंगे तो आपकी पोस्ट 12 से 54 लोगों को पर डे दिखाई जाएगी। 20 रुपये का लेदा है, मतलब 150। फिर ये सारे पैकेज यहाँ पर मौजूद हैं और आप अपनी पोस्ट को यहाँ से पैसों में बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते, क्या नाम है, विदाउट पैसे के, यानी आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि पोस्ट को बूस्ट करें, और उसके यहाँ पर ये सारा इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से बूस्ट करना है। तो आज मैं आपको फ्री में बूस्ट करने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्राइब के बटन को ओके करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इस तरीके की मजीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने उस पेज में आ जाएं जिसको जिसकी पोस्ट को आप बूस्ट करना चाहते हैं। तो ये मैं अपने पेज में आया हुआ हूँ, हारिस हुसैन नारायण। तो अगर आपने इसको भी लाइक नहीं किया हुआ तो इसको भी लाइक कर दें, ताकि आपको मैं इस तरीके की मजीद वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। मैं रोज़ अपने पेज पर एक वीडियो पोस्ट करता हूँ इसी लिहाज से, और दूसरी तीसरी सारी वीडियो ऑनलाइन अर्निंग की मैं इसमें डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप पेज में आने के बाद सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये सेटिंग में आने के बाद पेज विजिबिलिटी के आपका पेज की, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारी पोस्ट जो मोबाइल, ये जो पोस्ट है वो मतलब हमारा पेज प्रमोट नहीं है, और मैं वो जो सेटिंग कर लूँगा उसके बाद क्या चेंजेस आएगी मेरे पेज में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आप नोट कर लें, और फिर जब मैं चेंजेस कर दूँगा तो मैं आपसे को दोबारा दिखाऊँगा कि क्या चेंजेस आई है। तो ये मेरी पोस्ट है, मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ इसमें अपलोड करने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या चेंजेस अभी इसमें आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कि ये लोगों को, दोस्तों को टैग कर सकते हैं, और इसमें स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, और लोकेशन ये चेक इन कर सकते हैं कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, और दूसरी टैग अ प्रोडक्ट, यानी मैं अपनी प्रोडक्ट या जो कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ वो मैं इसमें टैग कर सकता हूँ। तो आप ये सिंपली देख लें, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सेटिंग करने के बाद क्या इसमें चेंजिंग आई है। तो एग्जिट, और ये मैंने दूसरी टैब पर खोली हुई है सेटिंग, क्या सेटिंग करनी है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये सिंपली ये जो यहाँ पर ये है सेटिंग, इससे आपके पेज की पोस्ट सबको शो होती है। तो आपने जो करना है चेंज इसमें, वो करना है ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर पोस्ट के, इसको ऑन करना है, ये ऑफ है, इसको अलाउ करना है, और सेव चेंजेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस आई है। वो मैंने टैब डिलीट वो ख़त्म कर दिए, और अब हम दोबारा पेज पर अपने जाते हैं। नेट स्लो है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये पेज ओपन हो गया है, अब मैं दोबारा
पोस्ट ऐड करता हूँ, तो आप देखते रहना क्या चेंजिंग आई है। ये ओपन, ये आप देख लें कि 1 2 3 ये चेक इन था और ये चौथा। ये सिंपली आप अपने एरिया को इसमें टारगेट कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चौथा आइकन यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसके सिंपली आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पोस्ट किस हिसाब से। तो आप उसके यहाँ पर टैग लगाएं, मेरी पोस्ट ये टेक्नोलॉजी में है, तो मैं यहाँ पर जो मैंने बताया है वो कम बताया तो मैंने YouTube के हवाले से, लेकिन टेक्नोलॉजी में यही सब कुछ आ रहा है, तो मैं यही ऐड करता हूँ। ये आप कुछ यहाँ जो आप जितने आप यहाँ पर टैग लगा सकते हैं लगा लें, और दूसरी सिंपली के आप किस एज के लोगों को अपनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 13 को तो छोड़ ही दें, क्योंकि 13 से भी छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो आप सिंपली 13 ही रहने दें और 50। आप जितना कम टारगेट रखेंगे उतने ज़्यादा आपकी पोस्ट लोगों को दिखाई जाएगी। तो मैं 13 से 50 सिलेक्ट, तो 50 ही किया था, हाँ 50, 13 से 50 साल तक के लोगों को मैं अपनी पोस्ट ये दिखाना चाहता हूँ। और दूसरा के जेंडर में आल रहने दें कि आदमी औरत सब देखें आपकी पोस्ट को। और लोकेशन यहाँ पर आप सिंपली मैं कहूँगा मैं जो पाकिस्तान, जितना आप टारगेट कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, बाकी मज़ीद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंध और लास्ट में नवाबशाह, क्योंकि मैं नवाबशाह से रहता हूँ, मैं रहने वाला हूँ नवाबशाह सिंध पाकिस्तान। तो ये सिंपली हमने पाकिस्तान पे ऐड किया था, फिर सिंध सूबा, ये इसमें सब कुछ ऐड हो चुका है। ये 40 किलोमीटर में ये मेरी पोस्ट दिखाई जाएगी। उसके बाद आपकी पोस्ट किस लैंग्वेज में है, तो सिंपली मैं उर्दू सेलेक्ट कर दूं पहले, फिर इंग्लिश भी कर दूं, कि ज़्यादातर तो लोग इंग्लिश में ही फेसबुक चलाते हैं। ये ऑल कर देता हूँ, और सिंपली इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में फेसबुक चलाते हैं, कि मतलब इंग्लिश समझने वाले भी होंगे जो ये पोस्ट देख सकते हैं, तो उनको भी ये सजेस्ट हो जाएगी। पंजाबी, पंजाबी मैंने ऐड कर दी है। और जितना आप कम टारगेट रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी पोस्ट को दिखाया जाएगा, और फिर वो ज़्यादा लोग शेयर करते जाएंगे तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों को नज़र आ जाएगी। ये एक सिंपल सी ट्रिक है मैं जो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद ये वीडियो का मेरा थंबनेल ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ये मैं इसका टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लोग क्यों टाइटल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पब्लिश नाउ, नेट इतना स्लो होता है ना कि अपलोडिंग हो गई थी, फिर भी सिंपली ये मेरी वीडियो प्रोसेसिंग में चली गई है। एक दफ़ा पेज को मैं रिफ़्रेश कर लूँ ताकि,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस वीडियो प्रोसेस पूरा हो चुका है और ये पोस्ट पोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहा है, यहाँ बूस्ट अन अवेलेबल, यानी ये पोस्ट बूस्ट नहीं हो सकती। और बाकी आप दूसरी पोस्ट देख सकते हैं कि इन पर लिखा हुआ है कि पोस्ट को बूस्ट किया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल और पेज दोनों को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इसी तरीके की मजीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।